नाका गावा नाम पूरा लूँगा इज्जत से और प्यार से और ये याद रहे, क्योंकि कैमरामैन हूँ मैं उससे एंकर से। सबसे बड़ी जो इनकी सबसे अच्छी चीज़ वो यही है कि स्टोरी टेलर है सबसे बड़ी, जो जो चीज़ उन्होंने बयान की सब लोगों को, जैसे कि आरिशा ने बताया कि सब लोगों को इंगेज किया इन्होंने, और जिस तरह दो कल्चर्स को इन्होंने दिखाया, पोर्ट्रेट किया खलीफा के अंदाज़ में और पाकिस्तान के नाई के अंदाज़ में, और किस तरह वो नॉस्टैल्जिया हमारा बचपन का वो सारा दौर याद करवा दिया। और ये चीज़ होती है एक अच्छे कहने वाले की नसर के अंदर, तो कैसे लोगों को वहीं पे ले जाए जहाँ पे विजुलाइज करता है इंसान को। मैं भी अपने बचपन में चला गया तो वही बाल लेके और वही उस तरह लेके चीज़ें। और सबसे बड़ी इनकी जो मुस्लिम मजाजी जो यहीं से कमिटमेंट लगती है जो उर्दू के साथ है, 28 साल से वहाँ पे हैं और उर्दू डॉट जबान के काम कर रहे हैं, और हमारे लिए बाइस फ़ख्र है हमारे उर्दू के लिए। और अभी साहब ने बात की उर्दू की, मेरे हाल पाकिस्तान में उर्दू बिल्कुल खत्म नहीं हुई। हमारा अगर बलोचिस्तान का बंदा अगर कराची आया था तो उर्दू में बात करता, अगर पठान अगर पंजाब में आता तो उर्दू में बात करता। उर्दू जो है वो शायद उसमें रफ पैचेज़ हैं, लेकिन उर्दू बड़ी बढ़ रही है मेरे ख्याल में, और इसमें मायूसी होना चाहिए। और जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, और आखिर में ये कि सबसे बड़ी आखिर हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये कि आपने जितना पढ़ा उसमें कहीं भी इंग्लिश का लफ्ज़ नज़र नहीं आया, और पूरी रवानगी से साथ पढ़ा आपने और पढ़ते गए और हमारे दिल में उतरता गया। बहुत शुक्रिया।